गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर विद आवर सेकेंड चैप्टर। आई होप फ्रैक्शन और इसके टाइप्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपका सेकेंड चैप्टर क्या है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फर्स्ट पार्ट में आपकी कुछ एक्सरसाइज में आपके फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नाउ आवर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 इज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सोल्व करना है। सोल्व करना मीन्स आपको दिया हुआ 2 - 3/5 सबट्रैक्ट करना है इनको। और आपको पता है जब फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन होती है तो उसको सोल्व करने के लिए क्या क्या मेथड है आपके। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या राइट कर दोगे? 2/1। अब आपका एक हो गया 2/1 और सेकेंड फ्रैक्शन हो गया आपका 3/5। अब इनको सबट्रैक्ट करना है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे हैं ये अनलाइक फ्रैक्शन है। और जब आपके अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं तो फर्स्ट क्या निकालोगे आप? एलसीएम। अब 1 और 5 का एलसीएम निकाल के देखो आप, ठीक है। वैसे तो अगर एक 1 हो और दूसरा नंबर आपका कोई नंबर है तो उनका जो एलसीएम है वो क्या होता है? उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। 1 और 5 का एलसीएम क्या आ गया आपका? 1 और 5 की मल्टीप्लाई मीन्स 5 के इक्वल, तो एलसीएम 5 आ गया। ये स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ये 1 है, 1 से जो एलसीएम आया था हमारा उसको आप डिवाइड करोगे। 1 से 5 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर? 5। और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो क्वेश्चन था। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 2, या तो स्टार्टिंग में इसको एज इट इज राइट कर दो। अब 5 से 5 को डिवाइड करो, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करोगे। 5 को 5 से करोगे 1 और 1 को 3 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये अब आप आ गया 5 × 2 = 10 और 3 × 1 = 3 / 5। 7 − 10 − 3 क्या आ जाए आपका? 7/5। ये आपका आंसर है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको एलसीएम लेके सोल्व करना। अगर आपको डायरेक्ट कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो आपका लाइक फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हो। 3/5 + 2/7। अब क्या करना है? फर्स्ट वर्क आपका है 5 और 7 का क्या निकालोगे? एलसीएम। आपको पता है 5 5 से डिवाइड होगा और 7 किससे होगा? खाली 7 से ही हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 × 7 = 35 के इक्वल आ गया। अब एलसीएम आपका 35 आ गया। अब क्या करोगे? 5 से 35 को डिवाइड करोगे। 5 7 × 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 3 के साथ, 3 7 × 7। और 7 से करोगे 35 को 5 5 की और 2 की मल्टीप्लाई, ये हो गया 3 7 × 21 और 5 × 2 = 10 / 35। 21 और 10 को ऐड करोगे तो ये आ गया 31 / 35। इस टाइप से सोल्व करना है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/10, 2/5 और 3/2। अब ये 3 नंबर है, 3 नंबर के लिए भी प्रोसीजर सेम वही रहेगा। 3 नंबर हैं तो तीनों का एलसीएम 10, 5 और 2 का क्या निकालोगे आप? एलसीएम। 2 से डिवाइड होता है, 2 5 = 10, ये 5 एज इट इज, 2 1 = 2। अब 5 से डिवाइड हो जाए, 5 1 = 5, 5 1 = 5, और ये 1 था ऑलरेडी। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 5 और 2 × 5 = 10 के इक्वल होता है, ठीक है। तो एलसीएम आ गया अब आपका 10, 10 एलसीएम आ गया। 10 से 10 को डिवाइड करोगे 1 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 5 से डिवाइड करो इस 10 को, 5 2 = 2 और 2 को 2 के साथ में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। अब 2 से डिवाइड करो, 2 5 = 5 और 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? न्यूमरेटर के साथ में। 7 1 = 7, 2 2 = 4 और 3 5 = 15 / 10 एज इट इज चलता रहेगा। ये कितना हो गया? 7 और 4 = 11 और 15 / 10 किसके इक्वल आ गया? ये 26 / 10। कट होता है, इसको कट भी कर सकते हो आप, नहीं तो एज इट इज भी छोड़ सकते हो। 2 से कट होता है, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 5 = 10 ये आंसर भी राइट कर सकते हो। और 26/10 भी, ये दोनों ही आपके क्या है? राइट। और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज सिक्स्थ पार्ट। सारे पार्ट मैंने नहीं करवाए क्योंकि सब में सेम इसी टाइप से आपको एलसीएम लेके सोल्व करना है, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट मैं करवा रही हूँ। 2
इंटू टू बाई थ्री, थ्री इंटू वन बाई टू, कैसी फॉर्म है ये? मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है। वो मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट इम्प्रॉपर में। तो क्या हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स और टू इसके अंदर ऐड कर देंगे, मीन्स थ्री टू जा सिक्स और टू एट, एट बाय थ्री, थ्री टू जा सिक्स और वन सेवन बाय टू। अब टू और थ्री का एलसीएम क्या हो जाएगा, सिक्स। ये आ गया एलसीएम सिक्स। थ्री से डिवाइड करो, थ्री टू जा और टू को एट के साथ में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई प्लस साइन। टू से डिवाइड करो सिक्स को थ्री और थ्री को सेवन के साथ में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। टू एट जा सिक्सटीन और थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन डिवाइड बाय सिक्स। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सेवन थर्टी थ्री, ये आ गया आपका थर्टी सेवन बाय सिक्स, ये आपका आंसर है। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्या है, जैसे आपका सिक्स था उसी टाइप से है। टू और एट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ये आपका, टू एट जा सिक्सटीन सॉरी और वन, टू एट जा सिक्सटीन और वन क्या हो जाएगा ये, सेवनटीन डिवाइड बाय टू। और थ्री एट जा ट्वेंटी फोर और फाइव ट्वेंटी नाइन बाय एट। अब टू और एट का एलसीएम आप जब सोल्व करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, टू वन जा टू, टू फोर जा अगेन टू, टू जा टू वन जा सॉरी ये टू आएगा, तो क्या हो गया एलसीएम आपका, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू एट। एलसीएम किसके इक्वल आ गया, एट के इक्वल। अब टू से एट को डिवाइड करोगे फोर, और फोर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको, सेवनटीन, ठीक है। एट को एट से डिवाइड करोगे वन, और वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ट्वेंटी नाइन के साथ। सेवनटीन फोर जा सिक्सटी एट, और ट्वेंटी नाइन को वन से मल्टीप्लाई करोगे, ट्वेंटी नाइन। अब इसको सबट्रैक्ट कर दो, सिक्सटी एट में से ट्वेंटी नाइन को, एटीन में से नाइन गए नाइन, फाइव में से टू गया थ्री, तो ये आ गया आपका थर्टी नाइन बाय एट, ये आपका आंसर है। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको कंप्लीट करना है। उन सबको अगर आपको लाइक फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो फिर क्या करोगे आप, उनको एलसीएम लेके सोल्व करोगे, ठीक है। थैंक यू।